चलो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, राइट टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन का टू सॉल्यूशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, बट हमें इस इक्वेशन का टू सॉल्यूशन फाइंड करनी है। अब देखो हम यहाँ पे अपने मन से x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, या y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वल 12। ये 0 हो गया माइनस 3y इक्वल 12 माइनस 3y इक्वल 12, ये 3 डिवाइड में आएगा तो y इक्वल 12 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल होगा 4 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस 4 आ गई, ठीक है। इसका मतलब 0, -4 एक सॉल्यूशन है, 0, -4 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसा ही हम अपने मन से x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं या y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। चलो इस बार हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल पुट y इक्वल 0, यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं या 2 भी पुट कर सकते हैं या कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या होगा, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 12, तो 2x माइनस 0 इक्वल 12, 2x इक्वल 12, x इक्वल 12 अपॉन 2, ये कट के 6 आएगा तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। इसका मतलब 6, 0 ये भी एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यही दोनों दो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। चलो हम लोग अब सेकंड सवाल करते हैं, नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें हमें ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल 6, इसको बोलते हैं हम लोग LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो यहाँ पे LHS कितना है, 2x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे RHS कितना है, 6। यहाँ पे RHS कितना है, 6। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें LHS में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करना है हमें x इक्वल 3 और y इक्वल 0। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट, मतलब ये अब सीसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर हमें 0 पुट करना है। तो ये क्या होगा, LHS यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0, ये 2 3 जा 6 आ गया, और ये माइनस 0 कितना आ गया, 6। अब इसमें देखो LHS भी 6 है और RHS भी 6 है, ये दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल RHS, LHS इसके RHS के इक्वल है, इसका मतलब 3, 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई इक्वल 6, ठीक है। अगर LHS और RHS अगर दोनों इक्वल आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट या कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड, इसको हम चेक कर लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये LHS है, LHS कितना है, 2x माइनस वाई, और ये RHS है, ठीक है। इसमें हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 6 पुट करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करना है और y की जगह पर 6। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 ये आ गया माइनस 6। यहाँ पे देखो RHS क्या है, प्लस में 6, और हमें यहाँ पे आ गया माइनस में 6, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, इसका मतलब 0, 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सो 0, 6 इज नॉट अ सॉल्यूशन
ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y = 6। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इफ एक्स इक्वल 2k+1 एंड वाई इक्वल k-1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देखो ये x और ये y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2k+1 एंड y की जगह पर k-1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पुट x इक्वल 2k+1 एंड y इक्वल k-1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2k+1 -3 × k-1 +5 = 0। अब इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4k + 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे -3k, -3 × -1 +3 होगा +5 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4k - 3k 1k बचेगा और 2 + 3 + 5 10 होगा। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 10 को हम इधर लाएंगे तो k = -10 होगा। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई।